ठीक है। तो बेसिकली फायरवॉल का काम क्या था कि स्टेटफुल इंस्पेक्शन के लिए कि जो ट्रैफिक आप फायरवॉल पे अलाउड करोगे, ठीक है। जैसे देखो ये क्या चीज़ है आपका, ये वाला साइड है जो, ठीक है, ये है आपका इंटरनेट ट्रैफिक। इंटरनेट मीन्स आपने क्या किया, एक इंटरनेट कनेक्शन लिया है, ठीक है। एक कंपनी का भी यदि आप सिनेरियो लेके चलते हो, कंपनी क्या करती है, एक इंटरनेट परचेज करती है, ठीक है। और या फिर आप अपने एनी स्मॉल ऑफिस, एनी लार्ज नेटवर्क, ठीक है, वट एवर जो भी है। तो ये आपका क्या चीज़ है, एक इंटरनेट है। इंटरनेट आपने क्या किया, डायरेक्टली कनेक्ट किया फायरवॉल के साथ, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है कि दो फायरवॉल लगी होती हैं, एक प्राइमरी एक होता है, एक सेकेंडरी होता है। इन केस यदि किसी फायरवॉल में इशू आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक फायरवॉल आपकी डाउन, जो आपका नेटवर्क होगा वो दूसरे से चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और सेकेंडरी फायरवॉल क्या होती है, ठीक है, कैसे काम करती है। अभी ये मान के चलो कि आपके पास एक ही फायरवॉल लगी है, ठीक है, ये आपका इंटरनेट है, यहाँ से कनेक्टिविटी आपके फायरवॉल के साथ लगी है। उसके बाद क्या चीज़ है, आपका ये नेटवर्क है, ठीक है, ये स्विच लगे हैं, ये तीन पीसी लगे हैं, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कंपनी का नेटवर्क है, ऑफिस नेटवर्क, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि परमिशन लगानी है कि बाहर से कोई यहाँ पे मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। आपको यहाँ पे परमिशन लगानी है कि या फिर मेरे जो लैन में यूज़र हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट पे क्या क्या एक्सेस कर पाएं, ठीक है। क्यों, आजकल क्या होता है कि कंपनीज में लोग सिक्योरिटी इनेबल करते हैं, जैसे कि कोई फेसबुक ना चला पाए, ठीक है, कोई मिलीशियस साइट्स हैं जो, ठीक है, वो नेटवर्क में एंटर ना कर पाएं, या फिर व्हाट्सएप हो गया, ये टॉरेंट हो गए, ठीक है, इन सभी को ब्लॉक करने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या करते हैं, एक वॉल की तरह काम करती है, ठीक है, कि जो डेटा आपको अलाउड करना है वही आपका बाहर जाएगा या इन आएगा, बाकी को वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ब्लॉक मीन्स डिनाई, ठीक है, ब्लॉक डिनाई, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड, ये सारे एक ही चीज़ करते हैं, मीन्स नो, ठीक है, कि आपके नेटवर्क में ट्रैफिक कोई नहीं आएगा और ना ही कोई बाहर एक्सेस कर पाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप फायरवॉल पे क्या रूल लगाते हो, ठीक है, ओके ठीक है ये जतिन, हम पॉलिसीज ये पॉलिसी भी कह सकते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज हाँ वगैरह उन, इसी को ही इशू है। हाँ देखो पता क्या, फायरवॉल में बोलते हैं उनको पॉलिसी बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को समझ लेना बस ऐसे ही, ठीक है, मैं लैपटॉप से ही लिखना पड़ रहा मुझे, ठीक है। या फिर आप बोल देते हैं कि रूल क्रिएट करने हैं, ठीक है। ओके ओके और यदि आपके पास क्या चीज़ है, राउटर एंड स्विचिंग, आर एंड एस, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं उसको ACL, ACL, ठीक है। ACL होते हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सेम चीज़ है कि अपने नेटवर्क में आपको क्या परमिट करना है, क्या डिनाई करना है, ठीक है, ये हम कवर करेंगे ACL, ठीक है। थोड़ा सा आपको चेक पॉइंट, ये सॉरी, जो फायरवॉल है, ठीक है, इसमें रूल कैसे बनाते हैं, पॉलिसी कैसे शो करते हैं, ठीक है, ये भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्योंकि आज जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपसे पूछते हैं कि आपको बेसिक आइडिया अबाउट राउटिंग एंड स्विचिंग एंड डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट एनी फायरवॉल, ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि आपने किसी फायरवॉल पे काम किया है या नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फायरवॉल है उसका क्या क्या रोल है, ठीक है, क्या काम करती है वो, उस पर पॉलिसी कैसे बनती है, VPN कैसे बनते हैं, ठीक है। वो थोड़ा ये है कि वो फायरवॉल का टॉपिक है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा आपको बेसिक है कि फायरवॉल का काम क्या है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में आपको थोड़ा सा फायरवॉल के बारे में बताऊंगा, फायरवॉल का काम रोल क्या होता है। अभी सिर्फ बेसिक देख लो कि फायरवॉल क्या काम करती है, एक तरह से परमिशन को परमिशन लगाना या डिनाई करना, ये काम होता है उसका, ठीक है। ओके और सेकंड, और क्वेश्चन जतिन, ओएससी मॉडेम के बारे में। OSI मॉडल, गोविंदा जी क्लियर है बेसिक आइडिया ऑफ फायरवॉल, हाँ जी ठीक है। और ओके,
OSI मॉडल था थोड़ा सा, वैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं उसको। रोहित आया नहीं सर अभी? रोहित रोहित बिजी है अभी, देख नहीं है, आया नहीं वो, मैंने उसको कॉल भी किया था अभी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो जतिन, OSI मॉडल क्या था, यदि देखो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि आप क्या करते हो, यस एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। तो या फिर कंपनीज में क्या होता है कि डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हो आप। OSI मॉडल, ठीक है, जो डेटा आप ट्रांसफ़र करते हो एक पीसी से दूसरे पीसी के पास, मीन्स होस्ट वन टू अनदर। देखो ये चीज है, ठीक है। तो ये आपका होस्ट वन है, ये क्या है आपका होस्ट टू है, ठीक है। आप क्या करते हो कि डेटा, देखो ऐसा नहीं है कि आपका होस्ट दो ही है, ठीक है, आपके पास 1000 पीसी हैं, ठीक है, 10,000 पीसी हैं, एक नेटवर्क है आपका या कहीं बाहर नेटवर्क है आपका, ठीक है। जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है ना बैकएंड में, वो इन लेयर के थ्रू ही जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेशन के बैकएंड में जो प्रोसेस चलता है ना वो ये है, ठीक है, उसको डिफाइन करा है OSI लेयर के थ्रू, ठीक है, 7 लेयर के थ्रू उसने डिफाइन करा है, ठीक है, ISO ने, कि बैकएंड में जो डेटा ट्रैवल करता है उसमें कौन कौन से हेडर जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे फ्रैगमेंट बनते हैं, सेशन कैसे बनेंगे, डेटा इंक्रिप्ट इंक्रिप्ट कैसे होगा, आपके प्रोटोकॉल कौन से काम करते हैं, ठीक है, और आईपी कैसे काम करेगा, मैक कैसे काम करता है, और फिजिकल लेयर कैसे काम करेगी, मीन्स डेटा आपका डिजिटल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो सारा इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन OSI लेयर के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि टोटल लेयर कितनी आती हैं, ठीक है, फर्स्ट लेयर कौन सी है आपकी, फिजिकल लेयर, ठीक है। और कई कई बार यूज़र पूछ लेते हैं कि यूज़र के साथ ऑथेंटिकेशन कौन सी लेयर करती है, दैट इज़ ए एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, ठीक है, HTTP, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आपको यस दिस वन, ठीक है, दिख रहा है ये, हाँ जी ओके। तो यहाँ पे क्या इस जूम होता है, जूम एडिट ऑप्शन नहीं पता, चलो ठीक है। जो लेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। जो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, HTTP, SMTP, ठीक है, SNMP मेलिंग के लिए होता है ये, ठीक है, POP3 ये भी मेलिंग के लिए आता है। गोविंदा जी, ये दो प्रोटोकॉल आए हैं, ठीक है, जो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, हाँ जी हाँ जी ठीक है, ये वाला SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है, दोनों प्रोटोकॉल आते हैं मेलिंग के लिए ये, ठीक है। FTP अलग है, ठीक है, FTP डेटा ट्रांसफरिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोटोकॉल होते हैं ये यूज़र के साथ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं ये, ठीक है। तो यूज़र के साथ ऑथेंटिकेशन कौन सी लेयर काम करती है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 7 लेयर कौन सी है, ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, और 6 लेयर 6 है उसका क्या काम है, कंप्रेस और डी इंक्रिप्ट करना डेटा को, ठीक है, ठीक है। डेटा कंप्रेस होगा आप, इट मीन्स कोई उसको रीड नहीं कर पाता, ठीक है, वो फंक्शनैलिटी कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है हमें, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सेशन लेयर, ठीक है, जैसे ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है उसने OSI मॉडल एप्लीकेशन लेयर के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी लेयर काम करती हैं, ठीक है, सॉरी प्रोटोकॉल कौन से काम करते हैं, और
नेक्स्ट एस में प्रेजेंटेशन लेयर कि जो आप टेक्स्ट इमेज ऑडियो और मूवी, ठीक है, आपने क्या किया टेक्स्ट को सेंड किया, इट मींस कोई भी उसको रीड कर सकता है, इमेज सेंड की कोई भी उसको देख सकता है, ऑडियो कोई भी सुन सकता है, मूवीज कोई भी आपने सेंड की जीपीजी एवीआई कोई भी उनको हैक कर सकता है, ठीक है, रीड कर सकता है। तो यदि आप उसको इंक्रिप्ट करके भेजोगे तो इंक्रिप्ट से डी इंक्रिप्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लेयर, ठीक है, एंड टू एंड। एंड नेक्स्ट आता है इसमें सेशन लेयर, फिफ्थ लेयर है जो आपकी, ठीक है। सेशन बनाती हैं, फुल डुप्लेक्स होते हैं आपके, हाफ डुप्लेक्स होते हैं, सिंप्लेक्स होते हैं आपके, सेशन बनते हैं, ठीक है। देखो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि गोविंदा जी ये पता है आपको फुल डुप्लेक्स? ओके, थोड़ा सा पेन टैबलेट की ही जरूरत है यहाँ पे, चलो आई विल ट्राई शोइंग पिक्चर। देखो फुल डुप्लेक्स ऑफ, यस दिस वन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या था, सिंप्लेक्स क्या था, ये मोड होते हैं आपके, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि वन वे, कि उस केस में क्या होगा कि एक यूजर दूसरे यूजर को सेंड करेगा डेटा, ठीक है, दूसरा यूजर उसको सेंड नहीं कर पाएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड ए वन वे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, रोड एग्जाम्पल मान के चलो आप रोड का, ठीक है, एक ये रोड है, एक ये है और एक ये है मान के चलो, ठीक है। अब इस रोड पे क्या चीज़ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस वाले की, तो यहाँ से सिर्फ ट्रैफिक आपका जाएगा, मीन्स गाड़ियाँ यहाँ से जा सकती हैं, ठीक है, यहाँ से वापस नहीं आएंगी, ओके। यदि इस साइड से आना है तो उन यहाँ यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स आपका वन वे है ये, क्लियर है, दिस इज ए सिंप्लेक्स, ठीक है। ये ना एक्चुअली पता क्या होता है, ये ना वो होते हैं कि डेटा ट्रैफिक मोड, ठीक है, कि आपका डेटा ट्रैफिक कैसे जाएगा, सेशन कैसे बनेंगे आपका, कि वन वे सेशन बना है आपका, कि वन वे मीन्स आप सिर्फ डेटा को सेंड कर सकते हो या फिर आपको कोई डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है, आप उसको दोबारा डेटा नहीं सेंड कर पाओगे, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, ठीक है, ओनली वन वे। नेक्स्ट आता है आपका हाफ डुप्लेक्स, मीन्स यहाँ से क्या करेगा, ये डेटा को सेंड करेगा, सेंड करने के बाद वेट करेगा, उसके बाद वो डेटा को यहाँ से भेजेगा, ठीक है, मीन्स वन टाइम ही आपका डेटा जाएगा इसमें भी, ठीक है, उसके बाद दूसरा को वेट करेगा तब आपके पास डेटा जाएगा, पर इसमें क्या था वन वे, मीन्स आप सिर्फ डेटा को सेंड सेंड ही कर पा रहे हो, ठीक है। इसमें आपने डेटा को सेंड किया, सेंड करने के बाद वो इसमें था कि डेटा को सेंड करने के बाद आपको यदि उसको रिसीव करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप सेंड कर पा रहे हो, ठीक है, नॉट ए रिसीविंग, ओके, थोड़ा सा ये डिफरेंस है इनमें। एंड फुल डुप्लेक्स में क्या चीज़ है कि यहाँ क्या टू वे है, ये यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, उस साइड से आ भी रहा है, ठीक है, वो ये चीज़ है फुल डुप्लेक्स। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो ओनली वन वे कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स जो मैं बताया था आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है तो टू वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे, पर ठीक है टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस, ओके, मीन्स इकट्ठा आप क्या करोगे, दो वे टू वे कम्युनिकेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ से सिर्फ आपका वन वे ट्रैफिक जाएगा, यहाँ से आपका है तो ये टू वे ही है क्योंकि यहाँ से जा भी रहा है आ भी रहा है, पर एक टाइम में एक ही जाएगा,
ठीक है, या फिर एक टाइम में एक ही रिसीव करेगा, वो ये चीज़ है, दैट इज़ ए हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या चीज़ है, जा भी रहा है और आ भी रहा है ट्रैफिक, ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें, क्लियर है। तो ये ऐसे ही होता है कि जैसे आपके पीसी लगे हैं, ठीक है, एक पीसी ए है, एक पीसी ए है, ठीक है, आप डेटा अपने नेटवर्क में कैसे ट्रांसफर करते हो, दीज आर द मोड, आपको ये मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, ठीक है, इंटरफेस पे, ठीक है, ये इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं आपको कि मेरा जो नेटवर्क का या मेरे पीसी का जो ट्रैफिक है वो सिंप्लेक्स जाएगा, हाफ डुप्लेक्स जाएगा या फुल डुप्लेक्स जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा सेट करना है, ठीक है। राउटर पे ही होएंगे सर। हाँ, ये राउटर के इंटरफेस पे ये करेंगे हम, प्रैक्टिकल करेंगे बीच में। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, एक आइडिया दिखाता हूँ, शायद मिले। ओके हाँ है, तो वही है, मैं देखता हूँ एक मिनट। वो देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसमें भी आती है ऑप्शन एक, ठीक है, देखने के लिए कि हाफ डुप्लेक्स करना है आपको, पता नहीं सर्विसेज में या समथिंग, ठीक है, तो ये आपके सेशन बनते हैं इसमें, ठीक है, सेशन ले रहे जो, ठीक है, ये ना थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा, आप वैसे लेयर पे ही बैठे रहोगे नहीं तो। नेक्स्ट क्या था, ओके, फोर्थ लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, इसमें क्या करते हैं ये, जो मैंने कल एक वीडियो देखना आप, मैंने बताया था टीसीपी एंड यूडीपी में डिफरेंस बताया था, ठीक है, जो टीसीपी और यूडीपी होता है वो इसी लेयर पे काम करते हैं, ये वाले, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, मेनली आपको ये देखना है कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे करती है, यदि डेटा आपका ज़्यादा ज़्यादा एमबी का होगा या ज़्यादा साइज़ होगा तो डेटा को फ्रैगमेंट, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट बनते हैं उसके, ठीक है, उसके पैकेट में वो क्या करता है, डेटा को सेंड कर देता है, ठीक है। हाँ, तो बस आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डेटा को, यदि डेटा का साइज़ बड़ा है, 500 सॉरी 1500 बाइट से ज़्यादा है, तो डेटा के स्मॉल स्मॉल पैकेट बनते हैं, ठीक है। और इस पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि टीसीपी एंड यूडीपी वर्क ऑन विच लेयर, ठीक है, दैट इज़ ए ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, दोनों में डिफरेंस भी आता है। टीसीपी क्या चीज़ है, कनेक्शन ओरिएंटेड, दिस इज ए कनेक्शन लेस, मीन्स टीसीपी क्या चीज़ है, टीसीपी एक्नोलेज सेंड करती है, ठीक है, ये ना वीडियो में देखना आप, एक मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, वही चीज़ मेरे को दोबारा। मैंने देखा सर, ये पढ़ा मैंने इसके बारे में सर। हाँ, टीसीपी एंड यूडीपी, देखो यहाँ पे ये चीज़ बताई थी मैंने कल, ठीक है, टीसीपी क्या चीज़ है और यूडीपी, टीसीपी क्या करती है, कनेक्शन लेस ये है, मीन्स जो दिस इज़ ए रिलायबल, दिस इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। फुल फॉर्म है टीसीपी की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दिस इज ए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि आप मेन बात करो तो देखो, ये हेडर साइज भी आप याद रख लेना, हेडर साइज भी बताऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। ये क्या करती है, टीसीपी रिलायबल होती है क्योंकि ये क्या करती है, एक्नोलेजमेंट सेंड करती है। एक्नोलेजमेंट क्या होता है कि ये आपको श्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपका डेटा डेस्टिनेशन पे जा चुका है, ठीक है। टीसीपी प्रोटोकॉल आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है नेटवर्क में, ये आप मैन्युअली करते हो, ठीक है। यूडीपी यूज़ करना है तो यूडीपी आप यूज़ करते हो वॉइस के लिए, जैसे अभी क्या चीज़ें हैं, मैं वॉइस कम्युनिकेशन है हमारा, ठीक है। अभी यदि कुछ चीज़ नेटवर्क ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि कुछ जो मैं कुछ डिस्कस कर रहे हूँ, ठीक है, वो आगे पीछे रहेगा, हमारा कन्वर्सेशन आगे पीछे रहेगा, कि ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपको 9:53 पे मैंने आपको कुछ वर्डिंग बोली,
और 9:55 पे अभी सपोज करो, अभी अभी टाइम सपोज करो मैंने वर्डिंग बोली आपको कुछ 9:50 पे, ठीक है अभी 53 है, ऐसे नहीं कि 9:50 वाली वर्डिंग हमें अब सुनने में आएगी, ठीक है वो चली गई, ठीक है। तो ये डेटा क्या होता है, यूडीपी का डेटा अनरिलायबल होता है वो, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यूडीपी की स्पीड होती है, क्यों स्पीड होती है, क्योंकि ये एक्नोलजमेंट नहीं सेंड करता और ना ही ये क्या करता है एरर चेक करता है, ठीक है। ये टीसीपी क्या करता है, मेक एरर चेक और उनको रिपोर्ट भी करता है, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ ये फास्टर है क्योंकि ये क्या करता है कोई एक्नोलजमेंट नहीं सेंड करता। देखो ये, और यहाँ पे लिखा भी है VOIP, वॉइस ओवर आईपी, जो वॉइस है हमारी वो यूडीपी के ट्रैफिक है, जो ईमेल है आपकी वो टीसीपी है, क्योंकि यहाँ जब ईमेल को सेंड करते हो तो आपके पास एक एक्नोलजमेंट आता है कि द मेल हैज़ बिन सेंड, ठीक है। तो दैट इज़ ए यूडीपी, यूडीपी ट्रैफिक होता है आपका वो, ठीक है जतिन। हाँ और क्लियर है गोविंदा जी? जी, ये तो क्लियर है जी मेरे को, ओके okay, और ये ये मैंने पढ़ा भी था जी पहले। हाँ इंटरव्यू में पूछते हैं ये चीज़, इसी मैं पढ़ के गया था जी पहले। और उसके बाद तो आपकी जो लेयर्स आती हैं ठीक है, नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर क्या होती है, लेयर थ्री। देखो मोस्टली आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा ना वो L3 के ही आएंगे, लेयर थ्री के, ठीक है। और TCP के पूछ लेते हैं, मैक के बारे में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। देखो वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पर्पज से, आपको ऐसे लेयर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये स्टार्टर से जो मैंने आपको बताया था CCNA, CCNP और CCIE, OSI लेयर आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है, CCNP में भी और CCIE में भी। तो OSI लेयर को आपको ऐसे याद करना है कि आप कोई भी आप वर्क करते हो तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है, बैकएंड में क्या प्रोसेस चलता है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग होती है आपकी, ठीक है, नॉट ए फिजिकल। फिजिकल एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस, ठीक है। तो दिस इज प्रोवाइड ए यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई बोथ द होस्ट एंड द नेटवर्क दैट होस्ट एग्जिस्ट ऑन, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो किसी होस्ट को या फिर कोई नेटवर्क है, ठीक है। तो दिस इज ए योर लॉजिकल एड्रेस। और सेकंड आता है इसमें राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्या होती है कि ओके डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नेटवर्क एंड द रूट्स डेटा अकॉर्डिंगली, ठीक है। राउटिंग होती है कि कोई भी डेस्टिनेशन आपके पास जैसे ठीक है, ये चीज़ें आगे भी आएंगी आपके पास। यस दिस वन, ओके। देखो यदि आपको, आप यहाँ पे सपोज करो ये आप हो, आपको क्या करना है, डेटा को यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है, या फिर आप डेटा को एक नेटवर्क और बना लेते हैं, डेटा को आप सेंड करते हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक नेटवर्क है, आपको यहाँ से डेटा सेंड करना है इस वाले नेटवर्क पे, ठीक है। तो राउटिंग क्या होती है, अब आपका नेटवर्क कैसे है, ये एक राउटर लगा है, ठीक है, ये नेट लगा है, एक डिवाइस ये लगी है और एक डिवाइस ये लगी है, ठीक है। ये सारी के सारी डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं और इन्हीं सभी डिवाइसों के साथ आप भी का नेटवर्क भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपकी राउटिंग डिसाइड करती है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने के बाद यहाँ पे गया ट्रैफिक आपका, उसके बाद यहाँ पे गया,
और उसके बाद यहाँ पे गया, देन यहाँ पे गया, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क का होप है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और डेटा को रीच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसको बोलते हैं स्लोनेस, ठीक है। बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि मेरे नेटवर्क में स्लोनेस है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इशू भी आते हैं स्लोनेस, वो आपको देखनी पड़ेगी कि आपका जो फिर क्या करते हो आप, ट्रेस रूट मंगाते हो, ठीक है। तो पिंग एंड ट्रेस रूट पता है आपको गोविंदा नहीं, जी? ये तो पहली बार। गोविंदा जी आपने किया ना? हेलो, हाँ, पिंग और ट्रेस रूट, हाँ ये पिंग ठीक है। पिंग क्या होता ट्रेस है? पर मैंने हाँ, बोलो। हाँ जी, वो प्रेशर तो मैंने वहीं पे किया था सर, वहाँ पे। हेलो, सेंटर में? हाँ, मैं कह रहा हूँ सेंटर में किया था। हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे किया था जी। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ पिंग ऑन ट्रेस रूट होता क्या है, ठीक है। अपने लैपटॉप से बताता हूँ, अपने पीसी से किसी डेस्टिनेशन को देखना हो, ठीक है। देखो पिंग क्या होता है, एक रीचेबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम पिंग। जैसे मैं यूज़ करता हूँ गूगल, ठीक है, मेरे को तो देखना है कि मैं अभी गूगल के साथ मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हुए या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी साइट को मैं पिंग कर लेता हूँ, ठीक है। उस इट मीन्स क्या होता है कि मैं एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करता हूँ कि मैं उस डेस्टिनेशन को रीच कर पाता हूँ या नहीं, ठीक है। जैसे पिंग स्पेस गूगल डॉट कॉम, GOOGLE.com, गूगल डॉट कॉम, गूगल ठीक है। उसके बाद एंटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको रिप्लाई पैकेट आता है, रिप्लाई गूगल का आईपी है जो, ठीक है, वो आपको रिजोल्व करके देगा, आपका पैकेट बताएगा कितने बाइट का है, टाइम बताएगा कितने मिली सेकेंड में गया, TTL बताएगा आपको टाइम टू लीव, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी को पिंग करते हो तो उसके बिहाइंड में जो रिप्लाई आता है, ठीक है, उनका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। TTL टाइम टू लीव, कितना टाइम लगा उसको वहाँ पे रीच करने में, मैक्सिमम सेगमेंट कितने थे, कितने बाइट का ट्रैफिक गया, उसका आईपी क्या है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, उसका रिप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको बेसिकली ये स्टेटस देखना है उसका, दैट्स इट, ठीक है। आपने क्या किया, पैकेट सेंड हुए आपके, अब यहाँ से आपके पीसी से कितने, चार, ठीक है, ये वाले सेंड कितने हुए, चार, रिसीव कितने हुए, चार, लॉस कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स आपने क्या किया, इस गूगल डॉट कॉम को पिंग कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या, यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो आपने क्या किया, यहाँ से इस पीसी से इस डेस्टिनेशन को पिंग किया, पहले पिंग करने के बाद आपके पास रिप्लाई है, ठीक है। देखो वो डिपेंड करता है कि राउटिंग आपकी कैसे है, राउटिंग का पाथ आपका ऐसे है या फिर ये डायरेक्टली है। राउटिंग क्या करती है, मेनली डिसाइड करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ, कि किसी डेस्टिनेशन को रीच करने में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ठीक है। तो राउटिंग उस भी आप पे परफॉर्म करती है, और डिपेंड करता है कि यदि आपका ये वाला नेटवर्क है, सपोज करो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू आ जाता है, सपोज करो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या चीज़ है, आपका पाथ यहाँ से जाएगा, ठीक है। तब उसको लॉन्गेस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो डायरेक्ट रीचेबिलिटी है ही नहीं ना, ये तो रीचेबिलिटी है ही नहीं इसकी, ठीक है। और यदि आपकी ये वाली रीचेबिलिटी चली जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वापस अपना शॉर्टेस्ट पाथ को देखेगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली राउटिंग क्या चीज़ है, राउटिंग डिसाइड द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यही उसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज राउटिंग। और सेकंड था इसमें जो मैंने आपको बताया था, ट्रेस रूट, ठीक है। ट्रेस रूट क्या होता है कि सपोज करो अभी तो आपका ट्रैफिक ये है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो यूज़र को कोई कंप्लेन नहीं आती, कल यूज़र कंप्लेन लग जाते हैं करने की, भाई हमें बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है नेटवर्क में, ठीक है, आप चेक करो, ठीक है। तो उस केस में क्या चीज़ है, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप यहाँ से इस डेस्टिनेशन पे रीच करते हैं कि आपका ट्रैफिक कहाँ से निकल के जा रहा है, ठीक है। सपोज करो कि आपका ट्रैफिक यहाँ से जाता है, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो आपको आपको कैसे पता लगेगा कि डेटा मेरा यहाँ से जा रहा है। तो उस केस में क्या करोगे, आप ट्रेस रूट करोगे, ठीक है, या फिर अनदर पर्सन को बोलोगे कि आप ट्रेस रूट करके बताओ मुझे कि मेरा डेटा, आपका डेटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सपोज करो ये मैं आई हूँ,
ठीक है, और मुझे क्या करना है, गूगल डॉट कॉम को एक्सेस करना है, ये गूगल डॉट कॉम है, ठीक है, मुझे देखना है कि डेटा वन बाय वन कैसे गया, ठीक है, यहाँ से इस राउटर पे, इस राउटर से यहाँ पे, इस डिवाइस से इस डिवाइस पे, इस डिवाइस से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, वो आपको वन बाय वन हॉप बाय हॉप बताएगा, ठीक है, मीन्स इस डिवाइस का आईपी बताएगा, फिर इसका बताएगा, फिर इसका डिवाइस का, फिर इसका, ठीक है, उसी के बिहाफ पे क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे कि आपका ट्रैफिक सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे गया, जैसे कि ठीक है लैपटॉप में चलती है ट्रेस ट्रेसर्ट, TRACERT, ठीक है, और जो राउटर है आपके उसमें चलती है ट्रेस रूट, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है, बीच में आगे बताऊंगा आपको, ट्रेस ट्रेसर्ट स्पेस -D, ठीक है, देखो -D क्या होता है, आपका जो DNS होता है ना, DNS को रिजोल्व नहीं करता और आपको फर्स्टली ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, यदि आपको DNS रिजोल्व करना है तो इसको हटा दो, नॉर्मल गूगल डॉट कॉम, ठीक है, और यदि यहाँ पे मैं इसको -D कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, एंटर, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया इसने, बताया कि आपका पैकेट कहाँ पे गया, 10.155.64.70 पे, ठीक है, तो वन बाय वन क्या करेगा ये आपको होप बताएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि कई ऐसी डिवाइस लगी होती हैं बीच में जिन पे आप क्या करते हो, पॉलिसी लगा के रखते हो कि ये आपको बताए ना कि मेरा आईपी क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ आती है, देखो ये सारे बता रहा है कि मेरा ट्रैफिक गूगल डॉट कॉम पे जा रहा है जिसका आईपी क्या है 31.78, ये वाला, ठीक है, जो मैंने ये बताया था, ठीक है, तो वन बाय वन इसने बताया कि आपका ट्रैफिक ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी सेम ही था, ठीक है, कि यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रेस रूट किया, ट्रेस रूट करने के बाद इस डिवाइस पे गया, इसका आईपी बता दिया उसने, फिर इस डिवाइस पर आईपी, फिर इस डिवाइस का आईपी, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जो मेरा ट्रैफिक डेस्टिनेशन को रीच करेगा वो कहाँ से होकर निकल रहा है, ठीक है। हाँ जी जतिन, गोविंदा जी, क्लियर है? हाँ जी, इसका पर इसका जो आपने बताया ये आईपी मतलब ये गूगल का होता है क्या, मतलब ये हमें इसके बारे में बताता है? नहीं, एक्चुअली पता क्या, ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि गूगल डॉट, तो एग्जाम्पल दिया मैंने, ये कोई भी आपका, जैसे आपकी एक लैब है, ठीक है, जैसे आपका एक सिनेरियो है, मैं आपको बताता हूँ एक, ठीक है, जैसे ये आपकी लैब है एक, ठीक है, ये वाली, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस डिवाइस को रीच करना है, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वैसे, चलो दोबारा बताता हूँ, ठीक है, ये आपका एक लैन नेटवर्क है, एक ऑफिस है आपका, ठीक है, आपको इस पीसी से इस पीसी को पिंग करना है, ठीक है, आपको देखना है कि मेरा ट्रैफिक कहाँ कहाँ से निकल रहा है, आपने क्या किया, पिंग किया इसको, पिंग आपका रीचेबिलिटी है, फिर आपने क्या किया कि ट्रेस रूट किया कि आपको देखना है कि मेरा ट्रैफिक है, मेरा इस राउटर से जाने के बाद वो इसके थ्रू जा रहा है या इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया आपने, ट्रेस रूट चलाया, ठीक है, ट्रेस रूट चलाने के बाद यहाँ पे गया, सपोज करो यहाँ के जाने के बाद उसने ये वाला पाथ यूज कर लिया और यहाँ पे चला गया वो, ठीक है, तो सेम चीज़ ये क्या करेगा, आपको क्या करना है उस केस में, ट्रेसर स्पेस -D, और यहाँ गूगल डॉट की कॉम की जगह किसका आईपी आएगा, इस वाले का, ठीक है, मीन्स आपको डेस्टिनेशन आईपी पता होना चाहिए जो जिसको आपको पिंग करना है या रीच करना है, ठीक है, अपने पीसी का तो आपको आईपी पता ही है, जैसे कि इसका आईपी है 10.1.1.1, ठीक है, ये इसका आईपी है, इसका आईपी क्या है, 10.1.1.50, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये नहीं लिखना है यहाँ पे गूगल डॉट कॉम, यहाँ पे आएगा आपका, आपके पास फिर ट्रेसर्ट स्पेस 10.1.1.50, ठीक है जतिन, ऐसे आएगा वो, ठीक है, तो आपको ये बताएगा कनेक्टिविटी आपकी कैसी है, और आप वन बाय वन जैसे होते हैं ना रास्ता, अब आपको यहाँ से कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ से मुड़ना है, ठीक है, कौन कौन से डेस्टिनेशन आएंगे उस वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, मेन मेन पॉइंट, तो वो चीज़ है ये।
ठीक है। एंड हाँ जी नेक्स्ट नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं आपका आईपी, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी का टॉपिक आएगा आपके पास, और नेक्स्ट था आपके पास डेटा लिंक लेयर थी जिसपे एलएलसी और मैक एडर्स काम करता है, ठीक है। एलएलसी इज लॉजिक लिंक कंट्रोल, मैक इज ए मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक इज ए फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, या पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है इसके बारे में। और नेक्स्ट था लिंक लेयर क्या है? ये हाँ कंट्रोल देखो एलएलसी क्या होती है, तो देखो ये लिखा है यहाँ पे द एलएलसी सब लेयर, ये वाला, ठीक है। द एलएलसी सब लेयर सर्व्स एज द इंटरमीडिएट बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द हायर लेयर, ठीक है। ये क्या होते हैं कि जो हायर लेयर आपकी और जो फिजिकल लेयर है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करती है, ठीक है। इट इंश्योर दैट प्रोटोकॉल लाइक आईपी कैन फंक्शन रिगार्डिंग लेंस ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल टेक्नोलॉजी एज बीइंग यूज, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो फिजिकली आपकी जो कनेक्टिविटी है और अपर लेयर है जो, ठीक है, उन दोनों में कम्युनिकेशन करवाने का काम करती है, ठीक है। और फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एरर चेकिंग, ये सारा काम करती है, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें हैं, फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर क्या होता है, आपकी कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। फिजिकली मीडियम डिसाइड होता है कि आपको डेटा को कैसे सेंड करना है, ठीक है। वायर केबलिंग, कनेक्टर्स एंड ट्रांसीवर्स, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है आपका, वायरलेस कनेक्शन है आपका, हब है, कोई डिवाइस लगी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको डेटा वन साइड टू अनदर साइड डेटा कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये आपका था एप्लीकेशन, ये वैसे मॉडल, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होते हैं आपके सेगमेंट बनते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आपके पैकेट बन जाते हैं, इस पे क्या फ्रेम बन जाते हैं आपके, ठीक है। फिजिकल लेयर पे क्या होते हैं आपके बिट्स, बिट और बाइट बन जाते हैं कि आपका डेटा 0101 की। देखो कंप्यूटर क्या होता है, आपको आपका कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज समझता है, ऑन या ऑफ, ठीक है। या कंप्यूटर को ऑन करो या ऑफ करो, मीन्स 0 या 1, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड क्या कह रहे हो जतिन? हेलो यस बोलो। हाँ हाँ जी सर आया मैं भी 10 मिनट बैठा था ठीक, वो डिनर कर लेता हूँ जो डिनर नहीं किया मैंने अभी ठीक है जी, ओके। ठीक है मैसेज ना मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, ठीक है, मैसेज देख लिया करूँगा मैं। ओके और सर जतिन क्लियर है ये? हाँ जी क्लियर है और कोई क्वेश्चन? वैसे थोड़ा टफ है CCNA अब मुझे टफ लग रही है समझने में थोड़ी क्या टफ नहीं है एक्चुअली, थोड़ा होता सा प्रैक्टिकल के थ्रू समझ आए थोड़ा थोड़ा ठीक है। देखो वैसे ही तो देखो, एक बार नहीं समझ आई ना, दोबारा इसको रीड कर लेना, वीडियो मैंने शेयर करी हुई है, ठीक है। उसको एक बार रीड कर लेना दोबारा कि वैसे ही का काम क्या है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, बैकएंड में जो डेटा जाता है वो कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। ये चीज़ तो बेसिक है, पता होना चाहिए ये, ठीक है, और आगे भी काम आएगी। उसके बाद हाँ एक मॉडल और आता है इसमें, आईपी एंड डॉट मॉडल भी आता है। डॉट मॉडल इज ए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, जिसको आप TCP/IP मॉडल भी बोल देते हो, ठीक है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है उसने डॉट मॉडल और TCP/IP मॉडल, ठीक है। OSI में 7 लेयर आती हैं, इसमें आपके पास 4 लेयर आती हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, जो यहाँ पे 3 लेयर हैं आपकी, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ें, एप्लीकेशन लेयर,
डॉट मॉडल में सिर्फ एक लेयर काम करती है, दैट इज द एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या काम करती है, होस्ट टू होस्ट लेयर, और थर्ड जो ये नेटवर्क लेयर है यहाँ पे इंटरनेट लेयर है, ठीक है। डेटा लिंक और फिजिकल यहाँ पे आपके पास नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। फंक्शनैलिटी सेम है यहाँ पे, इन्होंने 7 लेयरों की बजाय सेम वर्क इन्होंने 4 लेयर में बता दिया, ठीक है। कैसे कैसे आपको नेटवर्क कैसे एक्सेस होगा और नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, होस्ट टू होस्ट सेशन कैसे बनेगा, और एप्लीकेशन लेयर आपके जो प्रोटोकॉल है आपके वो कैसे रन होंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करी होती है। है, दोनों होती है, OSI और DOT दोनों होती है। देखो जो बैकएंड में आप देखोगे तो OSI ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, ठीक है, कि उसी के अकॉर्डिंग आप वो बताते हैं कि थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि डेटा वन पीस कैसे आपका सेंडिंग होता है, सेंड होता है डेटा, ठीक है। तो आपको दोनों ही याद करनी है ये, ठीक है। तो दोनों ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन OSI एंड डॉट मॉडल, ठीक है। तो आपको लेयर बतानी है, इसमें 4 लेयर होती हैं, इसमें 7 लेयर होती हैं, ठीक है। इनके अपोजिट में ये होता है, इनके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये है, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है ना वो आपको होता है ये वाला मॉडल, ठीक है। ये वाला ये लिखा है देखो यहाँ पे, डॉट मॉडल इज जनरली रिगार्डेड एज मोर प्रैक्टिकल देन OSI मॉडल, ठीक है, ये वाला, ओके ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने डिफाइन ही कराया कि वो किया कि अपर लेयर है, उसके अपोजिट में आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, और जो आपका नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वन वन टू अनदर अनदर साइड, ठीक है, वो कौन कौन सी लेयर के थ्रू सेंड होता है वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट बताया कि इसने जो 4 लेयर हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है, उसके बिहाइंड में कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, होस्ट टू होस्ट के बिहाइंड में TCP एंड UDP जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड इंटरनेट जो आईपी काम करता है यहाँ पे, और नेटवर्क पे इथरनेट, ठीक है। इथरनेट इज़ ए जो डिपेंड कि आपका डेटा ट्रैवल कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, एंड ठीक है जतिन, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, जितना भी आज बताया वो तो क्लियर हो गया। बल्कि ओके, ठीक है। तो उसके बाद था आपके पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट में बताई है, एक तो ये पिंग तो मैंने किया है, जैसे मैं सेंटर में करता था, मतलब जैसे हमने 4 PC कभी कभार कनेक्ट करते थे तो शेयरिंग के टाइम पे हम पिंग करते थे। यस यस, वो एक्चुअली और वो यही होता है, ये रीचेबिलिटी चेक करने के लिए। ये चीज आपने पहले, ये चीज तो पहली बार, ये तो सर ने बताई थी। दूसरी चीज क्या था वो, ट्रांस ट्रेस रूट, ट्रेस मॉड्यूल लेता। ट्रेस रूट मैं मैस पिंग भी कर देता हूँ, ठीक है। देखो ट्रेस रूट चलेगा आपका राउटर में, ठीक है, और ट्रेसर काम करेगा आपका जो आपके PC हैं, ठीक है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो TRACERT, ट्रेसर स्पेस -T, ठीक है। उसके बाद कोई भी IP है, जैसे गूगल डॉट कॉम, ठीक है, एंटर, या फिर पिंग यूज़ करते हो, किसको करना है पिंग, GOOGLE.com, उसके बाद -T,
ठीक है। माइनस टी क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली पिंग के लिए, ठीक है, ऐसे जैसे कि ये बोला, पिंग स्पेस गूगल डॉट कॉम और माइनस टी, ठीक है। अब क्या आपका ये पिंग चलता रहेगा? ये हमें मतलब कॉन्टिन्यूसली जैसे गूगल पे कनेक्टेड के लिए बताते कि हम मतलब कनेक्टेड है। हाँ, यदि यदि देखो घर पे ना ये डीएसएल कनेक्शन लग गया, ठीक है, डीएसएल कनेक्शन लग गया तो कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच बीच में। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि यदि आपका डिस्कनेक्ट है तो ऐसे आपको पैकेट ड्रॉप दिखाएगा ऐसे बीच में, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये हट जाएगा, फिर चालू हो जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, तो ऐसे दिखाएगा। अब देखो ये रुक गया ना बीच में, हाँ ठीक है, तो आपको कॉन्टिन्यूसली आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं वो आपको सिर्फ यही ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ये चलता ओके। रहेगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे मैनुअली कंट्रोल से ही, इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है, बैक आने के लिए। और अगर हम इसमें ये ट्रेसर और स्पेस पिंग वो करते, आईपी पिंग करते हैं, तो ये मतलब अनदर मतलब सिस्टम के लिए, यस इसको चेक यस, करने के लिए उसका या ट्रांसमिट ट्रेस रोड वगैरह। स्पेस माइनस डी, या फिर आप कोई भी आईपी आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पीसी का आईपी है 192.168.50.2, ठीक है, आपको देखना है कि ये पीसी कहाँ पे पड़ा है आपके नेटवर्क में, ठीक है, तो आप एंटर करोगे, एंटर करके आपको बताएगा वो, ठीक है। अब देखो मेरे इस नेटवर्क में नहीं है ये, ठीक है, तो इसके रिक्वेस्ट किसके पास, देखो यदि ये नेटवर्क में मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये क्या करेगा इस आईपी को फाइंड आउट करने के लिए अपने गेटवे पे जाएगा। गेटवे होता है कि आपका एग्जिट और एंट्री पाथ, ठीक है, किसी भी नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे होता है जो, ठीक है। अब देखो ये फाइंड आउट कर रहा है अपने नेटवर्क में, इसको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो मैंने फेंक ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। गेटवे तो हमें मतलब खुद मतलब बनाना पड़ता है ना, जैसे अगर जैसे हमारे 1 PC और आगे हमारे वर्किंग में 10 PCs हैं, तो गेटवे तो हम 10 PCs में खुद ही देंगे, मतलब हम देंगे। नहीं देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ अभी, हाँ, ये जूम हो जाएगा, ये मेरे ख्याल ना इसको सिलेक्ट करके ना हो जाएगा, ये जूम जूम ऑप्शन होता है इसमें, चलो चलो छोड़ो कोई नहीं, चलो मैं ये, कोई नहीं, वैसे दिख हाँ रहा है। हाँ ठीक है, जैसे आपका ये पीसी है 10.0.0.1, ठीक है, और ये आपकी एक राउटर की डिवाइस है, सेम चीज़ यहाँ पे आपका नेटवर्क है 20 का नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क है 30 का नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क है 40 का नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क है 50 का नेटवर्क, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसको 20 के साथ कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आपका जो गेटवे होगा वो है 10.0.0.1 वट एवर कोई भी है, ठीक है, तो इसका आईपी क्या है 10.0.0.20 लगा लो सपोज करो, ठीक है, ये आपका है 10 का नेटवर्क, ये है 20 का नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्या करेगा जब 20 को पिंग करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने नेटवर्क में चेक करेगा, ये इसका नेटवर्क है, ठीक है, कि ये मेरे सेगमेंट में मींस मेरे इस 10 के नेटवर्क में कोई 20 का आईपी है, वो कहेगा नहीं 20 का आईपी कहीं नहीं मिला, तो उस केस में क्या करेगा वो अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास जाएगा, गेटवे क्या है इसका इस राउटर का, ठीक है, कि भाई मेरे को अब मेरे नेटवर्क में 20 का कोई भी आईपी नहीं मिला, आप मुझे बताओ कि यदि आपके पास कोई 20 के रेंज का आईपी है, ठीक है, तो इसके पास रिक्वेस्ट आई, ये कहेगा कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, यदि इसके पास कहीं से रूट लर्न है, ठीक है, कि इस राउटर ने बताया कि भाई आपको यदि 20 के नेटवर्क पे आना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, ठीक है, तो ये कहेगा कि हाँ मेरे पास है, जो भी आपको 20 के साथ कम्युनिकेशन करना है आप मेरे को सेंड करो, ठीक है, इसके पास है, इसने क्या किया यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है, इस पे, तो इसने क्या किया, इसको पता है कि 20 का नेटवर्क यहाँ पे है, इसका गेटवे यहाँ पे है,
इसने क्या किया, फिर यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। ऐसे आपका कम्युनिकेशन बनता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, ठीक है। हाँ जी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मुझे इसके साथ बात करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, आपने क्या किया, सबसे पहले अपने दोस्तों से बात की कि भाई मुझे उससे बात करनी है, ठीक है। तू उसको जानता है? वो कहेगा नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा दोस्त जानता है उसको, ठीक है। ये क्या करेगा, इस बंदे की बात अपने दोस्त से करवाएगा, कहेगा हाँ ठीक है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो आपका कम्युनिकेशन हुआ इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, ऐसे हुआ, ठीक है। फिर ये क्या कर लेगा, अपने आप कम्युनिकेशन कर लेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे होता है, ओके। हाँ ठीक है, क्लियर है। जी, हाँ जी, और ठीक है, नेक्स्ट था आपका एक कंप्रेस एंड कॉन्टेस्ट कोलैप्स्ड एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। देखो ये क्या होता है कि सिस्को का कोर आर्किटेक्चर है ये, ठीक है। कि जब आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो कि आपका नेटवर्क सिस्को के अकॉर्डिंग कैसे बनता है, ठीक है, उसको हम एक टोपोलॉजी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। वह टोपोलॉजी किसे कहते हैं? टोपोलॉजी इज ए डिजाइन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो आई थिंक टोपोलॉजी नहीं पता आपको, तो वी कैन स्टार्ट टोपोलॉजी फर्स्ट, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों कवर करेंगे अभी हम, ठीक है, ये वाला 1.5 एंड 1.6, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, देखो फर्स्ट मैं यहां लिखता हूं टोपोलॉजी, देखो ये क्या होती है, टोपोलॉजी होती है आपकी, ठीक है। दीज आर द टोपोलॉजी। तो ये क्या होती है कि नेटवर्क टोपोलॉजी, कि आप अपने नेटवर्क को कैसे डिजाइन करते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास टोपोलॉजी आती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये और भी आती है इसमें, हाइब्रिड टोपोलॉजी आती बेसिकली है। ये नेटवर्क बनाने का तरीका होता है ना। यस यस, कि आपको अपना नेटवर्क कैसे डिजाइन करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बस टोपोलॉजी के थ्रू, कि एक पीसी ए है, एक पीसी ए है, एक पीसी ए और एक पीसी ए, ठीक है। चार पीसी हैं, चार पीसी किसके थ्रू कनेक्टेड है, एक सिंगल वायर के थ्रू, ठीक है। तो इस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। यदि मैं स्पेसिफिक किसी चीज को, बस टोपोलॉजी, ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्या चीज है, बस टोपोलॉजी है, ठीक है, जिसका यूज क्या है, एक स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एक कॉलेज हो गया या कोई क्लासरूम हो गया, ठीक है। उस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो आपकी सिंगल वायर होती है ये वाली, ठीक है, ये एक कोई भी कोएक्सल केबल, ठीक है, ये कोएक्सल केबल मिलेगी आपको, और यहाँ से आपका नेटवर्क है ये,
और एंडिंग में क्या होगा, आप एक टर्मिनल होता है कि यहाँ पे आपका नेटवर्क, ठीक है, यहाँ तक आपका नेटवर्क है, यहाँ पे एक टी ट्रप टी पॉइंट का एक कनेक्टर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, दिस इज योर टर्मिनल। तो एक सिंगल वायर के थ्रू आप कनेक्टिविटी कैसे करोगे, जो इसमें वो आता है ना कनेक्टर, वो होता है टी टी टाइप का कनेक्टर होता है वो, ठीक है, कि यहाँ से आपने, यहाँ पे आपको कनेक्टर लगाया, आपने क्या किया, एक पीसी को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उसी वायर से यहाँ पे कनेक्टर लगाया, उसके बाद यहाँ पे लगाया, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, आपने एक कनेक्टर और लगा दिया आगे, कि यदि इन केस आपको और भी सी कनेक्ट करने हैं तो आप उस केबल को एक्सटेंड कर सको, ठीक है। तो वो ये चीज़ है कि इसी केबल के थ्रू आपने क्या किया, मल्टीपल पीसी को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आता है बस टोपोलॉजी, पर इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, और एडवांटेज क्या इसकी है कि आपको इस पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, ठीक है, एक सिंगल वायर ही है, उसी पे आपका नेटवर्क कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। पर इसकी डिसएडवांटेज क्या है, सपोज करो ये केबल कल ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ब्रेक होने पे क्या होगा कि ये पीसी इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सिंगल वायर के थ्रू है, ना ही कोई बैकअप नहीं है कोई, ठीक है, कि जिस बैकअप के थ्रू आप क्या करो, वन साइड से दूसरी साइड पे कनेक्टिविटी कर पाओ, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज भी आती है, ठीक है, बस टोपोलॉजी की। तो बेसिकली दिस इज़ यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी एडवांटेज ये है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, और डिसएडवांटेज यही है कि यदि आपके नेटवर्क में ये सिंगल वायर आपका क्या है, एक बैकबोन है, ठीक है, यदि इसी में इशू आ जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन, ठीक है, मीन्स यहाँ पे यदि ये ब्रेक होगी वायर या ये ब्रेक होगी, ये पार्ट आपका अलग रहेगा, ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा फिर, ओके। सो दिस इज तो ये अबाउट द वन ओ वायर एस, पे कनेक्टेड है, क्या, क्योंकि ये मतलब वन वायर पे ही कनेक्टेड है ना, मतलब सारे पीसी एक राइट मतलब, राइट तो राइट, इसलिए हाँ ठीक है, सिंगल वायर मीन सिंगल बैकबोन है ये, ठीक है, इस नेटवर्क की एक ही बैकबोन है सिंगल वायर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बस टोपोलॉजी, ओके। एंड जी नेक्स्ट है इसमें स्टार टोपोलॉजी। हाँ स्टार टोपोलॉजी, ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक स्टार की तरह नेटवर्क बनेगा आपका, जैसे ये स्टार लाइक ऐसे, ठीक है, कि जैसे ये है, ठीक है, एक ही आपके पास सिंगल डिवाइस है, उसी के थ्रू क्या चीज़ है, ये पीसी कनेक्टेड है, ये वाला, ये भी, ये भी, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यदि इस पीसी को इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा ये, इस डिवाइस पे, दिस इज ए स्विच, स्विच ठीक है, स्विच क्या करता है कि आपके मल्टीपल नेटवर्क, आप क्या करते हो, पीसी कनेक्ट कर सकते हो और उनको कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या करना है कि इस डिवाइस से इसको कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है, तो आपका नेटवर्क कैसे जाएगा, आपने पिंग किया, यहाँ पे गया स्विच पे, स्विच पे जाने के बाद वो चेक करेगा कि ये वाला पीसी है कौन सी पोर्ट पे लगाया, ठीक है, रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी और जाने के बाद ये उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आजकल आपको ज़्यादातर आपको नेटवर्क मिलेगा स्टार टोपोलॉजी का, क्योंकि जो आपका सपोज करो ये इंटरनेट, आपने इंटरनेट लिया, इंटरनेट कनेक्शन आपने किस पे लगा दिया, स्विच पे लगा दिया, स्विच लगाने के बाद बाकी जितने भी पीसी आपके इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो आपका नेटवर्क ऐसे चल जाएगा, ठीक है, आजकल ऐसे यूज़ करेंगे, आपको स्टार टोपोलॉजी ही मिलेगी मोस्टली।
बट इसकी देखो एडवांटेज क्या है आपका कि सिंगल आपका एक पॉइंट होगा ये, ठीक है, यहीं से आपकी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होगी, ठीक है। पर इसके डिसएडवांटेज क्या चीज़ है कि यदि इसी डिवाइस में कुछ इश्यू आ गया तो आपका सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन ऑफ जी जी टोपोलॉजी जी के डिपेंड आपको कि कैसे आपका नेटवर्क डिज़ाइन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास रिंग, रिंग दिख रहा है ये, ठीक है, बहुत छोटा हो गया पर हाँ समझ आ रहा है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है ये कि ना रिंग के टाइप की होती है ये वाला, ठीक है। यहीं पे आपका एक पीस ये लगा है, एक पीस ये लगा है, एक पीस ये लगा है, ठीक है, एक पीस ये है, एक पीस ये होता है, ठीक है। एक होता है रिंग होता है, एक होता है ड्यूल रिंग टोपोलॉजी, उसमें दो रिंग होते हैं, ठीक है, एक साइड आने के लिए एक साइड जाने के लिए, ऐसे होता है, ठीक है। अब यदि मैं रिंग की बात करूँ, रिंग एक रिंग की तरह होती है कि यदि इस डिवाइस को इसके साथ कम्युनिकेशन करना है तो आपका डेटा नेटवर्क कैसे जाएगा, ऐसे चला गया सपोज करो, क्योंकि ये नियरेस्ट है, इसमें यहाँ पे एक ही डिवाइस आती है बीच में, इसमें क्या चीज़ है दो, क्योंकि राउटिंग का मेनली पर्पस क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ को डिफाइन करना, ठीक है। यदि इस नेटवर्क में कोई इश्यू आ जाता है ये वाले में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका नेटवर्क यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। यदि आपके पास ड्यूल है कि हाँ इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आती होगी। ट्रैफिक प्रॉब्लम आती है ना कि डिपेंड, यदि सपोज करो ये पीसी आपका, इसको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, यहाँ से ट्रैफिक चला गया, इसमें कुछ इश्यू आ गया नेटवर्क में, तो आपका ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ब्रेकिंग हो गया, यहाँ पे ब्रेकिंग हो गया, ये पीसी आपका अलग ही रहेगा, ठीक है, ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा किसी के भी साथ। और यदि आप ड्यूल रिंग यूज़ करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका बैकअप रहता है एक, ठीक है, जैसे एक रिंग एक आपने ये बनाया और ऐसी क्या चीज़ें एक वायर हो रहा है, ठीक है, ये पीसी है, ये पीसी है, कि यदि इस नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया इस वायर में तो ये आपका बैकएंड में काम करेगी, ठीक है, दैट इज़ अ ड्यूल रिंग, ठीक है। वो सॉल्यूशन होते हैं कि आपको अपना नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करना है, ओके। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास मैश टोपोलॉजी। देखो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, लाइक ये वाली, ठीक है, ठीक है। देखो फुल मैश में क्या होगा कि ये आपकी एक डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, ये सारी आपकी डिवाइस है, ठीक है। तो हर एक डिवाइस हर एक पीसी के साथ सेपरेटली कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसके साथ है, ठीक है, ये इसके साथ, ऐसे कनेक्टेड है सारी, ठीक है। मीन्स हर एक पीसी या हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इसकी एडवांटेज क्या होगी, यदि ये नेटवर्क डाउन हो गया, ठीक है, या फिर इनमें से कोई वायर डाउन होगी, ठीक है, तो मीन्स एक डिवाइस को रीच करने के लिए इसके बाद 10 रास्ते हैं, हाँ जी ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, कि यदि किसी को ये वाली डिवाइस को रीच करना है, इसको यदि इसका डायरेक्ट लिंक क्या है ये वाला, ठीक है, यदि इसमें कुछ इश्यू आ गया या फिर यहाँ से कोई भी इश्यू आ गया तो भाई इसके पास यहाँ से ये वाला रास्ता भी है रीच करने का, ऐसे रीच कर लेगी ये, ठीक है, ये वाला नहीं है तो ऐसे कर लेगी रीच ये, ठीक है, ये वाला नहीं है तो ऐसे कर लेगी रीच ये, ठीक है, ये वाला भी नहीं है तो ऐसे कर लेगा रीच ये, ठीक है। मीन्स डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए इसके पास मल्टीपल रास्ते हैं, ठीक है,
दिस इज कॉल्ड द फुल मैश, पर इसमें सेम चीज़, इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बस टोपोलॉजी में क्या था, एक सिंगल वायर थी, ठीक है, पर इसमें कितनी वायरें लगी हैं, मल्टीपल। तो इट मीन्स क्या होगा कि आपको मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आपको कि मल्टीपल वायरिंग लगाई हैं आपने, इस केस में क्या होगा कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है ये, ठीक है, कि आपको हर एक डिवाइस के साथ एक सेपरेट लिंक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से आपको लिंक, आपको कनेक्टिविटी करनी है, तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है, मैश टोपोलॉजी, क्योंकि आपको इस पे हर एक डिवाइस के लिए सिंगल सिंगल कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी, इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी, ओके। जी एंड नेक्स्ट था आपके पास ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री ट्री समझते हो, पेड़, यस ठीक है, हाँ। तो जो ट्री टोपोलॉजी है ठीक है, ये वाली, ठीक है, लाइक ए चेन सिस्टम, ठीक है, कि सबसे एक पीसी आपका, एक पीसी के साथ दो कनेक्टेड हैं, ये दो कनेक्टेड हैं, उसके साथ आगे ये कनेक्टेड है, फिर ये, ठीक है, यहाँ पे दो पीसी कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, ठीक है, हाँ जी हाँ ऐसे होता है चेन सिस्टम। जी तो दिस इज ए जस्ट लाइक ए चेन सिस्टम, कि आपका नेटवर्क इंक्रीज होता रहेगा, पर यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या आती है, यदि आपका बैकबोन ही फेल हो जाता है तो आपका यहाँ पे नेटवर्क डैमेज हो जाता है, आपका यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, ठीक है, एंड टू एंड। तो ये डिसएडवांटेज आती है ट्री टोपोलॉजी की। और नेक्स्ट आते हैं आपके पास, इसी में देख लेते हैं कौन सा है ये, ओके। नेक्स्ट आप ये पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट में मिलेगा आपको कि जैसे ये पीसी आपका, ठीक है, एक ये पीसी है और एक पीसी है, ठीक है, तीनों पीसी आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे कि यदि इसको इसके साथ रीच करना है तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ जाना पड़ेगा, दीज आर द पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और एक टोपोलॉजी और आती है इसमें, दैट इज कॉल्ड ए हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड में क्या होगा कि इसमें आपकी मल्टीपल टोपोलॉजी आ जाती हैं, जैसे दिस इज़ ए बस टोपोलॉजी, एक सिंगल वायर है, उसी के साथ आपके मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ ये किसके साथ कनेक्टेड है, एक स्विच के साथ, स्विच मीन्स सेंट्रलाइज डिवाइस, इसी के साथ मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है, ये क्या बनी आपकी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये कौन सी टोपोलॉजी बनी आपकी, बस टोपोलॉजी। अब यहाँ से एक वायर यहाँ पे गई है इस पीसी में, ठीक है, ये क्या बनी आपकी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, कि वन टाइम यदि मोर देन वन और टू टोपोलॉजी कनेक्टेड है आपस में तो दैट इज कॉल्ड ए हाइब्रिड टोपोलॉजी, ओके। तो ये क्या थी आपकी, बेसिकली टोपोलॉजी है कि आपका नेटवर्क कैसे डिज़ाइन है, ठीक है, तो डिपेंड ऑन टोपोलॉजी आप अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हो, ओके, क्लियर है ये। ओके तो ये होती है टोपोलॉजीज, ओके। एंड नेक्स्ट जी आप, नेक्स्ट था हमारा टॉपिक कोर आर्किटेक्चर, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं।